साथियों, आपको अपना बचपन याद होगा या आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों में गए होंगे तो आपने घरों की रसोई देखी होगी। साथियों, आज से 50 साल पहले की बात करें या 100 साल पहले की बात करें, उस समय भारत में स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी आधुनिक नहीं थी जैसी आज हैं। अनेक रोगों का इलाज भी नहीं था उस समय। साथियों, लोग इस बात पर ज़्यादा जोर देते थे कि ऐसा कुछ करें कि हम बीमार ही न हो, अर्थात बीमारियों से पूरा बचाव रखते थे और यदि वो बीमार नहीं होंगे तो उन्हें इलाज के लिए कम से कम जाना होगा। साथियों, इसलिए लोग अपनी रसोई पर ज़्यादा ध्यान देते थे, रसोई को एक पवित्र स्थान मानते थे और उसको पूरा सैनिटाइज करके रखते थे और इस बात का ध्यान देते थे कि किसी भी तरह से संक्रमण रसोई तक न पहुंचे। लेकिन आज क्या हो गया है? आज आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा खुला स्थान रसोई का ही होता है, उसमें कोई भी जा सकता है, कुछ भी छू सकता है और रसोई में संक्रमण के पूरे साधन बनाकर रखे जाते हैं। साथियों, जब तक हमारे खान पान की शैली, खाद्य और अखाद्य की मर्यादा, नियम संयम की मर्यादा हम नहीं रखेंगे, तब तक हम लोग अनेक बीमारियों से संक्रमित होंगे और मृत्यु दर भी बढ़ती रहेगी इस संक्रमण के कारण। साथियों, आज लोग निश्चिंत हो गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो संक्रमित हुए तो हॉस्पिटल पे जाकर इलाज करा लेंगे। साथियों, ये उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है जो अमीर घराने से हैं और उच्च मध्यम वर्ग के लिए भी ये ठीक हो सकता है। लेकिन साथियों, ये जो गरीबी रेखा से नीचे जो अपना गुजर बसर कर रहे हैं उनके लिए तो ये खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि यदि संक्रमण फैलेगा तो उसका शिकार वो भी होंगे और उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो अपना इलाज करा सकें। इसलिए साथियों, ये जो अमीर घराने के लोग हैं और जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना होगा। साथियों, इस दुनिया के जो शारीरिक रोग हैं, जो संक्रमण के रोग हैं, उसका एकमात्र कारण रसोई का संक्रमित होना है। और ये जो छोटी सी मांसल जिसको जीभ कहते हैं, टंग कहते हैं, ये भी है। इसी जीभ के स्वाद के लिए लोगों ने भोजन के नियम संयम आचार व्यवहार सब खत्म कर दिया है। असंयमित खाना, असंयमित पीना, पैकेट बंद सामग्रियों को खाना और यहाँ तक कि पानी को इतना फिल्टर करके इस्तेमाल करना कि उसमें से सब मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जीरो हो जाए। साथियों, सुबह शाम दोपहर जिस वक्त भी जब चाहें तब आप मुंह चला सकते हैं, अर्थात लगातार खाते पीते रह सकते हैं। इसका कोई समय नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है और क्यों खाना है, बस खाते रहना है। साथियों, आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में लोगों को मैंने आम और आइसक्रीम खाते देखा है। साथियों, चिकित्सा विज्ञान सिखाता है कि आपको मौसम के अनुरूप अपने खाने पीने में भी परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन साथियों, ऐसे लोग, इनके चेहरे पे एक दर्प का भाव रहता है, गर्व का भाव रहता है। वो इसलिए कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो ऐसा फल खा रहे हैं जो उनके देश में या उनके प्रदेश में इस मौसम में उपलब्ध नहीं है और वो इसका सेवन करना चाह रहे हैं और सेवन करते हैं। इससे वो अपनी विशेष स्थिति दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं। लेकिन साथियों, ऐसे कुछ लोगों को ये नहीं पता कि यही जो दर्प का भाव है, यही जो गर्व का भाव है,
यही इनको जीवन भर रोगी बना करके भी रखता है। साथियों, हमने देखा है कि घरों में जो मैड होती है उससे काम करवा लूं, ये एक स्टैंडर्ड समझा जाता है। लेकिन अगर इसमें घर के लोग अगर भोजन को बनाएंगे तो उसमें नारी सशक्तिकरण और आधुनिकता ये समाप्त हो जाएगी। और इसका हवाला देकर किसी मैड से खाना बनवाते हैं और उसे अपने रसोई में जाने के परमिशन देते, इजाजत देते। साथियों, जो रसोई का सैनिटाइजेशन है ये बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है ऐसे में, और रसोई में संक्रमण के पूरे अवसर रहते हैं कि वहां संक्रमण फैले। साथियों, भोजन या तो मेड बनाएगी या फिर होटल का खाएंगे। अब होटल की रसोई के विषय में आप एक अनुमान लगा सकते हैं, और जो मेड है वो कितना सैनिटाइज है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो जबान है इसको स्वाद मिलना चाहिए, भले ही इसमें पूरा परिवार का स्वास्थ्य हाशिए पर क्यों ना आ जाए। साथियों, सास है, बंद है, बिस्किट है, नमकीन है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पिज्जा है, बर्गर है, गंदे और बासी कैंड जूस है। आप देखेंगे कि सबके घर में पड़े होंगे, सबके फ्रिज में रखे होंगे, और लैपटॉप पर काम करते रहेंगे, और इन सब चीजों का भोजन की तरह उपयोग चलता रहेगा। साथियों, आप देख रहे होंगे कि घर घर अशुद्धता शुद्धता का विचार किए बिना ये सब खाना पीना चलता रहता है। साथियों, पानी से भी संक्रमण होता है। यदि आप पानी को सदैव उबालकर ठंडा करके उससे ही भोजन बनाएंगे तो आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, जिस दिन आपने ये व्रत ले लिया कि मुझे एकमात्र जो मौसम के फल हैं, मौसम की सब्जियां हैं, इनका ही सेवन करना है, ठीक उसी दिन से वैभव और लक्ष्मी अपना बोरिया बिस्तर लेकर आपके घर में ठिकाना बनाने आ जाएगी। साथियों, गलत काम आप करेंगे, स्वयं करेंगे, लेकिन दोष किसको देंगे? हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की लचर व्यवस्था को। साथियों, हॉस्पिटल्स तो बढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन ये जो अमीर और उच्च मध्यम वर्ग का जो तबका है ये बीमारी फैलाना भी बंद करे तब ना, तभी गरीबों का भला होगा, क्योंकि इन स्वास्थ्य सुविधाओं पर पहला अधिकार तो इन्हीं लोगों का होगा, क्योंकि इनके पास पैसा होगा। और जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, समस्या तो उन्हें होगी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। साथियों, जिस दिन आपने अपनी इस जबान को, अपनी जीभ को, इसके स्वाद को संयमित कर लिया तो उसी दिन समझिए कि आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। साथियों, जिस दिन आपने किचन या रसोई को शरीर के मंदिर के तौर पर बनाकर उस रसोई घर को घर का एक औषधालय बना लिया तो उसी दिन से आप स्वस्थ होते जाएंगे। जिस दिन आपकी रसोई पूरी तरह सैनिटाइज हो जाएगी, बिना सैनिटाइज किसी का भी प्रवेश वर्जित होगा, उसी दिन से आपका हॉस्पिटल और डॉक्टर से नाता भी कम होने लगेगा। और जिस दिन आपने ये व्रत ले लिया कि मुझे बाहर का नहीं खाना, उसी दिन से आपके घर से रोग अपनी गठरी बांधने लगेगी। साथियों, बिना हाथों को साफ किए खाना बनाना, बिना धुले कपड़े पहने, मुंह में मास्क लगाए बिना, बालों को कवर किए बिना रसोई घर में खाना बनाना बीमारी को दावत देना है। खास तौर पर रसोई घर में बिना सुरक्षा खांसना छींकना, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने मुंह से दूध भी फूंकते हैं उसकी मलाई हटाने के लिए, ये सारे काम आपके घर में बीमारी ही लाएगा। बहुत ही आवश्यक हो तो आप इस नियम या व्रत को तोड़ें अगर कोई इमरजेंसी हो, वरना सामान्य तौर पे आप
पूरी सावधानी बरतें, अपनी रसोई को स्वच्छ रखें, संक्रमण मुक्त रखें। साथियों, कुछ लोग दोस्तों का हवाला देते हैं, तो मतलब ये हुआ कि आपके माता पिता का संस्कार इतना कमजोर था कि अन्य दोस्तों के संस्कार आप पर हावी हो गए। आप इतने कमजोर निकले कि उनकी गलत बातें आपने ग्रहण कर ली, लेकिन अपनी अच्छी बातों या आदतों का प्रभाव आप उन तक नहीं डाल सके। साथियों, मैं बार बार कहता रहूंगा कि जिस दिन आपने अपने रहन सहन, आचार विचार, खान पान, नियम संयम को संयमित एवं नियमित कर लिया, उसी दिन से सब ठीक हो जाएगा। वरना साथियों, कोरोना ही नहीं, कोरोना से भी बड़ी और भी बड़ी बड़ी बीमारियों से आप संक्रमित होते रहेंगे और आपको कोई नहीं बचा पाएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।